हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगी मीशो होल कुछ ऐसी चीजें, मतलब सब कुछ मिक्स रहेगा इसके अंदर। काफी कुछ चीजें मैंने मंगवाई थी, मुझे लगा कि मीशो होल कर देना चाहिए। बैठ के वीडियोस बनाने की आदत नहीं है पहले मेरे को, लेकिन मुझे बनानी थी। मुझे नींद बहुत आ रही है, भूख बहुत लगी हुई है और पंखा चल रहा है दो नंबर पे, इसके लिए सॉरी इसकी थोड़ी सी आवाज आएगी बीच में। मैं माइक यूज नहीं करती, आपको पता है। तो हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं आज मीशो होल। जो चीजें हैं सारी मैं आपको दिखा दूंगी, मिक्सअप है, ऐसा कुछ नहीं सिर्फ ड्रेस होल है या फिर कुछ लाइक कोई भी और चीजें होती हैं, ऐसा कुछ मिक्सअप है। काफी चीजें अलग अलग आपको मिलेंगे इसके अंदर। सो या तो अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो पसंद आती है आपको, कोई भी चीज पसंद आती है, बाय द वे सबके कोड मैं दे दूंगी, वो चेक कर लेना और लाइक कर देना वीडियो को पसंद आती है। सो विदाउट एनी फर्दर डू, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ड्रेस। जो ड्रेस है मैं पहले खोल के बैठी हूँ, आपको दिखा देती हूँ किससे कैसे आई थी। इस तरीके की पैकिंग में आई थी, ऊपर से ये वाला, इसमें मतलब ये जो ट्रांसपेरेंट वाला है इसके अंदर जिप लगी हुई है, इसके अंदर आई थी। और इसमें एक मॉडल की पिक भी थी, ये वाली मॉडल की पिक। इस पे जो ड्रेस दिखाई है, ये वही ड्रेस मैंने ऑर्डर करी थी 590 के अंदर। ये मैंने शॉर्ट्स में डाला हुआ, उसमें मैंने बोला था कि मैं आपकी लेंथ की वीडियो में इसका कोड दे दूंगी, तो यहाँ पे मैं आपको कोड दे दूंगी। इसकी जो लेंथ है ना, नी से भी नीचे की लेंथ है, बट आने में उस पर थोड़ा ना दिखने में ऐसा लगता है थोड़ा सा ना सिंथेटिक फैब्रिक होगा, थोड़ी शाइनी होगा, तो ऐसे दिखने में ऐसा लगता है। तो और प्लस नी से नीचे की लेंथ है, बट जो ड्रेस मुझे मिली है मैं आपको दिखा देती हूँ पहले। ये ड्रेस मुझे मिली है, लुक एट दिस ड्रेस। ड्रेस बहुत अच्छी है, फैब्रिक बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन एक चीज कमी है, मैं आपको बताती हूँ मेरे लिए। सबसे पहले स्लीव्स पे रज डिटेलिंग है, अगेन दोनों साइड पे, एंड नेक इतना कुछ स्क्वायर के अंदर नेक है, एंड देन दोनों साइड पे रज डिटेलिंग है, एंड साइड पे भी फिटिंग में भी रज डिटेलिंग है, एंड इस तरीके से लॉन्ग ड्रेस है, मतलब नी तक की लेंथ है। और इसमें ये है कि आप इसको टाइट नहीं कर सकते। अगर आप सोचो ना कि थोड़ा सा आपको लूज आ रहा है ना, तो आप सोचो टाइट कर लेते हैं हम अपने घर पे, तो टाइट नहीं कर सकते, बिकॉज साइड पे इसका रज डिटेलिंग आप देख सकते हैं, साइड पे भी सिर्फ रज डिटेलिंग जा रही है। तो टाइट करोगे तो फिनिशिंग खत्म हो जाएगी ड्रेस की, इसमें इलास्टिक डाली हुई है। मैं बना सकती हूँ ऐसी ड्रेसेस, लेकिन इसलिए मैं बता रही हूँ, इसमें एक फिटिंग नहीं होगी, तो इस हिसाब से आप अपना साइज ऑर्डर करना। मैंने साइज ऑर्डर करा है स्मॉल साइज। अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे मैं साइड पे आपको ट्रायल में दिखा देती हूँ कैसी लग रही है। सबसे पहले तो उसकी मुझे लेंथ अच्छी नहीं लगी। पिक में जो मॉडल ने पहन रखा है उसमें नी से नीचे की लेंथ है, बट यहाँ पे नी तक की लेंथ है, ये वाली नी भी दिख रही है इसके अंदर। तो मुझे थोड़ा ऐसा था कि लंबी आएगी ड्रेस, बट ये छोटी आई है काफी। एंड सेकेंड जो है इसके अंदर फैब्रिक ओके है, सब कुछ ओके है। सेकंड, मेरी जो फिटिंग प्रॉब्लम है कमर से, आप देख सकते हैं कमर में थोड़ा सा लूज है मुझे यहाँ से। तो अगर मैं फिटिंग, तो मैं आपको पहले ही बोल दी फिटिंग आप नहीं कर सकते इस चीज की, बिकॉज इसमें इलास्टिक डाली हुई है, रज डिटेलिंग करी हुई है, तो आपको एक्स्ट्रा स्मॉल में जाना पड़ेगा। अगर आप मेरे साइज के हो, 5'5" मेरे हाइट है, एंड मेरे साइज के हो आप, तो अगर आप ऑर्डर करना चाहते हो तो एक्स्ट्रा स्मॉल साइज ऑर्डर करना। बट ये भी इशू है, क्योंकि इसमें स्मॉल साइज में मेरे हिप की और बस्ट की, यानी अपर शोल्डर की बिल्कुल फिट एग्जैक्ट है। अगर मैं एक्स्ट्रा स्मॉल ऑर्डर करती हूँ तो वो मुझे फिर हिप से टाइट आ जाएगा, मे भी आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं। बाकी आप मुझे बता दो। कोरियन स्टाइल वाली ये ड्रेस है, पर्पल कलर के अंदर, कलर बहुत खूबसूरत है, ड्रेस भी बहुत खूबसूरत है, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप ले सकते हैं। सो ये ड्रेस है, यहाँ पे सबसे पहले आपको नेक दिखा देती हूँ, काफी अच्छा नेक बना हुआ है, एंड यहाँ पे डिटेलिंग है नेट की सारी, एंड यहाँ पे बंद नेक वाला इस तरीके से है, पीछे बटन दिया हुआ है, यहाँ पे ये बटन है, यहाँ से इसको बंद कर लो इस तरीके से, एंड स्लीव्स भी अगेन पफी स्लीव्स हैं यहाँ से जॉइंट करके, एंड अगेन आगे से जो नेक पे काम किया हुआ है वैसे ये रज डिटेलिंग है, यहाँ पे भी रज है, यहाँ पे इलास्टिक है, मतलब लाइक फिटिंग अच्छे से आ जाएगी। स्लीव्स है इसकी दोनों साइड से, एंड यहाँ पे आप अपर मैंने इसका दिखाई दी आपको, यहाँ पे कमर से बहुत अच्छे से फिट होती है, यहाँ से बहुत अच्छे से फिट होती है, एंड देन नीचे लंबी सारी ड्रेस है ये वाली। बाय द वे आपको ट्रायल में दिखा दूंगी। और जो मैंने साइज ऑर्डर करा है इसके अंदर वो है, इस पे कुछ मेंशन नहीं है, आई थिंक स्मॉल साइज ही होगा। बाय द वे साइज वगैरह सब कुछ मैं कोड के साथ ही दे दूंगी, जब कोड दूंगी ना नीचे वहां पे साइज वगैरह सब मेंशन कर दूंगी, क्योंकि ये ड्रेस अभी नहीं ली, ये ड्रेस काफी पुरानी है मेरे पास पड़ी है, तो मैं एक दो बार से पहन चुकी हूँ। तो ये ड्रेस है, ये नेट का है, इसके नीचे इनर देते हैं वो पहनने के लिए, तो उसे भी मैंने उल्टा कर रखा है, उसे भी मैं पहले सीधा कर लेती हूँ। तो ये नीचे इसके इनर आता है इस तरीके से, ये इसके नीचे इनर है इस तरीके से, पर्पल कलर के अंदर ही, बिल्कुल सिंपल सा इस तरीके से पहनना। तो कल को किसी आप और भी, मतलब लाइक कोई ऐसा आपके पास ड्रेस है, टॉप है, तो उस नीचे भी आप इसे पहन सकते हो, तो इस तरीके से है सिंपली बस। बाकी आप ट्रायल में देख लो, मैंने आपको पिक्स यहाँ पे ऐड कर देती हूँ, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स मैंने पहले ली हुई हैं। तो बस इसमें सिर्फ इतना सा इशू है कि इसके नीचे ना मैंने जब शूट किया था, तो आप देख सकते हैं ये जो इसका इनर है कितना पतला है, मेरा हाथ दिख रहा है ना इनर के अंदर, तो इसके अंदर हाथ दिख रहा है, तो ऑब्वियसली अब इसके ऊपर नेट मैं पहनूंगी। चलो मैं लेंटर लगा के दिखाती हूँ आपको, मान लो अभी भी आपको स्किन दिख रही ना हल्की हल्की, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है ये वाला, बस इसका थोड़ा सा ये इशू है ड्रेस का, इसलिए मुझे लगा कि मुझे रिटर्न करनी चाहिए, बट डेट निकल गई मेरी रिटर्न वाली। तो नीचे ब्लैक शॉर्ट्स पहन लेना आपने, ठीक है, थोड़े लॉन्ग वाले, और जो ब्रा पहनोगे स्पोर्ट्स ब्रा पहन लेना, तो ये अच्छी लगेगी, अदरवाइज थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट का इसमें प्रॉब्लम रहेगा आपको। तो बाकी आप साइड पे देख रहे हो कैसी ये ड्रेस है, वैसे क्वालिटी वाइज, वैसे लुकिंग वाइज
बहुत बहुत अच्छी ड्रेस है, ठीक है, एंड प्राइस मेरे को ध्यान नहीं है, बहुत सस्ती ड्रेस आई थिंक ये, बहुत ही सस्ती है, बाकी मुझे ध्यान नहीं है प्राइस, अभी मैं आपको कुछ भी बोल दूँ आपको नीचे कोड के साथ मिल जाएगा। मैंने फूड ऑर्डर किया था एक्चुअली, मेरे को ना टाइम नहीं लग रहा था जाने का यहाँ पे मार्केट में, तो मैंने कहा चलो मैं घर बैठे ऑर्डर कर देती हूँ, और यहाँ पे एक मैंने पता करा कोस्टली मिलता है यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ पहले मैंने क्या ऑर्डर करा। इस तरीके से पैकिंग में आया है मीशो से, एंड इसके अंदर चू स्टिक है, आई थिंक चू स्टिक ही बोलते हैं, ये वाली मैंने मंगवाई है, इसमें दो तीन कलर काफी आते हैं, तो मैंने येलो में मंगवाई है। ये मुझे कोस्ट की आई थिंक 140 रुपीज़ 150 इतना ही कुछ कोस्ट की है, तो ये कंप्लीट इतनी बड़ी मुझे आई है। तो ब्रूनो को मेरे डॉग काफी पसंद है उसको, मतलब लाइक ये बहुत अच्छे से वो खाता है इसको, तो बाय द वे मेरे स्ट्रीट डॉग भी हैं, स्ट्रीट डॉग यहाँ पे उनको भी मैं दे देती हूँ हाफ हाफ करके, इनमें से छोटे बच्चे हैं अभी, तोड़ के इन्हें तो दबा के अच्छे से मतलब ऐसे मिक्सचर सा बना के इनका तो भी दे देती हूँ, ताकि उनके दांत टूट ना जाए इससे, तो इस तरीके से दे देती हूँ बच्चों को। एक लड़की ने मुझे कॉमेंट भी करा था कि आप तो अपने डॉग को मतलब जो घर का बच्चा खाना होता है आप स्ट्रीट डॉग को दे दिया करो, तो भाई बच्चा खाना नहीं, मैं तो उनको ये मंगवा के देती हूँ, बिस्किट मंगवा लेती हूँ, पेडिग्री मंगवा लेती हूँ, ये मंगवा लेती हूँ, ये चीज़ें देती हूँ मैं उनको, तो ये आई थी तो काफ़ी अच्छी है। अगर आपका आप मतलब आपके पास पेट है, डॉग है ना, तो आप लेना चाहते हो मिशन तो आप चेक कर सकते हैं, ये वाला काफ़ी अच्छा है, मैंने ऑर्डर करा है और अब मैं ऑर्डर करती रहूँगी इसको, क्योंकि डॉग को चाहिए होता है, इसमें थोड़े अलग अलग फ्लेवर आपको मिल जाएंगे, कलर्स अलग अलग मिल जाएंगे, तो ये मैंने पहला मंगवाया है। इसके बाद जब मैंने ये ऑर्डर करा तो फिर मैं जिस शॉप से लेती थी मैंने उनसे पता करा कि आपको 250 में मुझे देते, 250 में जो आप मुझे पैकेट देते थे उसमें कितने आते थे चू स्टिक, तो उसने बोला कि 1 kg आता था, तो फिर मैंने उस पर चेक करा, मीशो पे चेक किया, तो वहाँ पे 160 के अंदर ही 1 kg आ रहा था, तो कितना अंतर है यार 160 और 250 के अंदर। तो मैंने फिर मीशो से एक चीज़ और ऑर्डर कर ली, वो है ये, हालांकि इस बॉक्स में नहीं आया ये बॉक्स, मैंने यहीं से बिस्किट वाला बिस्किट लिए थे, तो ये बॉक्स खाली था, मतलब ये वाला डिब्बा खाली था, तो इसके अंदर मैंने इसको डाल दिया, तो ये चू स्टिक मैंने वहाँ से मीशो से ऑर्डर करी थी, ये पूरे 1 kg है, इसमें से कंप्लीट ऊपर तक भर गया था, ये वाला ऊपर तक भर गया था, और काफ़ी हद तक बच्चों ने खा भी लिया, स्ट्रीट डॉग को भी दिया मैंने, ब्रूनो को भी दिया, तो ये चू स्टिक नेक्स्ट है, ये रेड कलर के अंदर है, ये भी काफ़ी टेस्टी है, मेरे डॉग को काफ़ी पसंद है, तो वहाँ से पता चलता है ये काफ़ी टेस्टी होंगी तभी वो खाते हैं, स्ट्रीट डॉग भी बहुत अच्छे से खा लेते हैं इसको, तो ये नेक्स्ट है, आप ऑर्डर कर सकते हो, 1 kg कंप्लीट आती है, सिर्फ 160-170 रुपीज़ का, इतना ही है, कोड मैं नीचे दे दूंगी, तो चेक कर सकते हैं आप, ये नेक्स्ट है। ये कुछ अलग ही चीज़ थी मीशो की, जो आई थिंक किसी ने नहीं बताई होगी आज तक, मीशो जो है वो मैंने मीशो से ऑर्डर करी थी लेस, आपको मैं दिखाया भी इस तरीके से पैकेट में आई है लेस, ये वाली मैंने आपको बोला था मैं अपने होल वीडियो में दूंगी, या फिर जहाँ पे सूट बनाऊंगी मैं वहाँ पे दूंगी, तो अब मुझे नहीं पता मैं सूट कब बनाऊंगी। हेलो, ये हेलो, अच्छा ओके सर, कोड है उसमें, एंड सॉरी यार मैं बीच में मुझे काफ़ी पार्सल रिसीव हो रहे हैं, और मैंने से भी काफ़ी कुछ ऑर्डर करा है मैंने, तो चलो हम बात करते हैं इस लेस की। तो ये लेस है, मैंने शॉर्ट पर बनाया था, मैंने कहा जिस सूट पे मैं ये लगाऊंगी मैं तब दूंगी कोड, पर अब पता नहीं मैं सूट पे कब लगाऊंगी, तो मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए। तो ये लेस है इस तरीके से, पूरी 15 मीटर लेस है, एंड मैं आपको इसमें ना एक खोल के दिखा देती हूँ साइड पे, वन साइड से हटा देती हूँ इसको, मैं ज़्यादा नहीं खोलूंगी अदरवाइज उलझगी तो मेरे तो काम हो जाएगा, मतलब इस तरीके से आएगी लेस, ये वाली, ये इस तरीके से, इस तरीके से लेस आएगी वाली, ये दुपट्टे के बॉर्डर पे, साड़ी के बॉर्डर पे इस तरीके से लग जाएगी, तो काफी ज्यादा है ये वाली लेस, और 15 मीटर ये मुझे कॉस्ट करिए 2 something कुछ, बाकी आपको सब कुछ मैं कोड वगैरह प्राइस वगैरह दे दूंगी नीचे, बाय द कोड दे दूंगी वहां पे आपको प्राइस मिल जाएगा, 260 रुपीज के अंदर इतना कुछ मुझे कॉस्ट किया सिर्फ, तो काफी अच्छी है लेस। यहाँ पर आई थिंक थोड़ी महंगी मिले हर मार्केट के अंदर, अब आप जिस सिटी में रहते हो उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लेना, अगर आपको वहां पे सस्ती लगती है मार्केट के अंदर तो वहां से ले लेना, अगर आपको मीशो पे सस्ती लगती है तो आप मीशो से ले लेना, सो मुझे मीशो पे कुछ प्राइस इसका ठीक लगा, तो मैंने मीशो से ही ऑर्डर कर ली ये लेस, सूट वगैरह पे, दुपट्टे वगैरह पे, साड़ी वगैरह पे, किसी भी बॉर्डर पे आप लगा सकते हो, काफी अच्छी लगेगी, और समर के अकॉर्डिंग तो ये बहुत अच्छा है, व्हाइट कलर तो वैसे भी हर किसी के साथ चल जाता है, सो ये नेक्स्ट है, कोड मैं आपको नीचे दे दूंगी और प्राइस आप चेक कर लेना। नेक्स्ट जो है मैं आपको मतलब यहाँ पे पिक दे देती हूँ, इधर पिक दे देती हूँ, मीशो पे ये नेकलेस था कोडी वाला जिसमें मैंने बैग पे लगा दिया है, बैग भी पिक मैं इधर दे देती हूँ, दोनों साइड पे आपको पिक मिल जाएंगी कैसे मैंने क्या कुछ करा है। तो ये नेकलेस था कोडी वाला नेकलेस था ये वाला जो 160 कुछ ऐसे कॉस्ट करा था मुझे, और ये मैंने तोड़ के काट के मतलब बीच में से बैग के ऊपर लगाया था, तो ये क्वालिटी अच्छी थी नेकलेस की, बहुत बुरी नहीं थी, बट इस पे जो इयररिंग्स थे उसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, घटिया क्वालिटी थी, एक पे तो बड़ा काउरी शेल लगा हुआ था, एक पे छोटा लगा हुआ था, तो वो आप देख लेना अगर आप एज ए
नेकलेस पर्पज से ऑर्डर कर रहे हो इसका मतलब कॉडी को लाइक कॉडी वाले नेकलेस को, तो मत करना, मैं आपको नहीं कहूंगी आप करना। अगर आप इसको डेकोर पर्पज के लिए किसी और चीज के लिए आप इसे ऑर्डर करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। फ्लावर्स भी ऑर्डर करे थे काजू शैल के, वो भी आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे मैं रख के बैठी हूँ। तो ये है नेक्स्ट, इस तरीके से पाउच के अंदर मुझे ये सारे काउरी शेल्स आए थे। इसमें से एक दो मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे इसमें येलो वाला ये रहा येलो, ठीक है ये येलो है, और इसमें नेक्स्ट ब्लू भी है, ग्रीन भी आया था, रेड भी आया था, ब्लैक भी आया था, तो अलग अलग कलर्स के अंदर अलग अलग हैं ये वाले। तो ये वाला ब्लू है, आप देख सकते हैं, ये कैसे भी आप दुपट्टों पे लगा लो, सूट पे लगा लो, किसी कोई डेकोरेटिव आप चीज बना रहे हो उस पे लगा लो, तो इसमें काफी सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे, येलो ब्लू ग्रीन ब्लैक, इस तरीके से फ्लावर्स बने आते हैं ये सारे आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। ये सारे इस पैकेट के अंदर आए थे जिसमें से काफी हद तक मैंने यूज कर लिए बैग की, वो बैग की पिक मैं साइड पे आप दे दूंगी आपको किसके अंदर मैंने यूज किए थे। तो ये मुझे कॉस्ट किए थे 260-250 रुपीज के अंदर, 25 पीस थे या 15 थे, 25 ही थे आई थिंक, हाँ 25 पीसेस थे टोटल, हाँ 25 थे, याद आ गया मुझे 25 थे, जिसमें से काफी हद तक मैंने बैग पे यूज कर लिए। बाकी जो बचे मैंने आपको दिखा दिए, इनको भी मैं कभी ना कभी किसी ना किसी चीज पे यूज करके आपको दिखा दूंगी। बाकी अगर आप मतलब कुछ डेकोरेटिव कुछ बना रहे हो या कोई सूट या कोई ब्लाउज या कुछ भी ऐसी चीज आपकी इस पे आप लगाना चाहते हो तो आप ये फ्लावर लगा सकते हो, कोडी के बने काउडी शेल कुछ भी कह लो तो इनके बने बनाए आते हैं, काफी अच्छे हैं, क्वालिटी वाइज बहुत बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट जो मैंने ऑर्डर किया था, मुझे मैं जिम जाती थी, अभी तो मैं जिम खैर मेरी बंद है, तो जिम जाती थी मैं, तो मुझे पैंटी चाहिए थी जिसमें लाइनिंग नजर ना आए बिल्कुल भी। तो मैंने मीशो पे चेक करी, 3 पैंटियां इसमें वो दिखा रहा था, जिसमें सभी मेरे पास 2 हैं और एक मैंने पहन रखी है तो इसलिए, तो वो भी स्काई से कलर के अंदर है। तो ये पैंटी आपको दिखा देती हूँ, ये 3 जिसमें थी, फर्स्ट ब्लू, सेकेंड ये पर्पल थी, एंड थर्ड एक स्काई ब्लू कलर के अंदर आई थी, तो ये सेकेंड है, ठीक है। क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है, सिंथेटिक फैब्रिक है थोड़ा सा, ऐसे मतलब लाइक समझ सकते हो ना, थोड़ा फैब्रिक आप पास से देख लो, ये वाला फैब्रिक है, ठीक है, तो वास्ते दिखा देती हूँ आपको। साइज मैंने स्मॉल लिया था ये वाला, जो कि मेरे परफेक्ट आया है, एंड क्वालिटी वाइज सुपर गुड। और ये जो 3 मुझे मिली है सिर्फ 200 रुपीज के अंदर, और यहाँ पे मैं अपनी मार्केट में यही पैंटी मैंने खरीदी हुई है, सेम यही पैंटी 175, सिंगल एक पैंटी 175, मतलब एक टाइम पे मैंने ली थी जब मैं बजट बना के आई थी 3500 रुपीज का, हाँ इतना कुछ था, कोई 40-20 रुपए ऊपर होंगे, इतना बजट बना के आई थी, वहां पे मैं लेके आई थी ये 175 की एक पैंटी। अब जैसे मैंने मीशो पे देखा इसको, मैंने कहा 200 के अंदर 3, और वो भी ये जो इसकी लाइनिंग होती है ना, यहाँ पे हम जब ऊपर टाइट्स पहनते हैं कुछ भी, कोई ड्रेस पहने कुछ भी पहने, तो नजर नहीं आती, फिर वो पहना वो पता नहीं चलता कि नीचे कुछ पहन रखा है और हमने पहन भी रखा होता है। तो ये मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ, अगर आप कुछ ऐसे पैंटी सर्च कर रहे हो, घर पे पहनने के लिए भी ठीक है, जिम के पहनने के लिए भी ठीक है, नॉर्मल पहनने के लिए भी ठीक है, सब कुछ के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, एंड पीरियड्स के टाइम के लिए भी बहुत सही है। इस पे जो हम पैड लगाते हैं वो इजिली लग जाता है, मैं बहुत यूज करती हूँ पैंटीज को, एक पैंटी तो मैंने भी लगा रखी है, 2 पैंटी अभी बाकी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास काफी सारी है, तो होता ना कि एक बार पड़ी रहने दो फिर हम यूज करेंगे बाद में। तो ये पैंटी है, इनका कोड दे दूंगी, चेक करें ना अगर आप लेना चाहते हो, ओब्वियसली हर लड़की को जरूरत होती है, तो भी सस्ती वाली ले लो मीशो से, बहुत 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 सही रेट है इसका, बहुत ज्यादा सही रेट है, सो मैं तो हाईली रिकमेंड करती हूँ ले लेना। करते हैं लास्ट आइटम की इस हॉल की, वो लास्ट आइटम है ये बॉक्स, ज्वेलरी बॉक्स मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले मैं इसके बारे में बता देती हूँ कि ये मैंने मीशो से लिया था, मेरे पास छोटे छोटे जो ज्वेलरीज थे, इयररिंग्स थे, ये ना बिल्कुल छोटे छोटे जो आप नेक पे जैसे मैंने पहन रखा है, जैसे ये पहन रखा है, इनको रखने के लिए मुझे एक छोटा कुछ ऑर्गेनाइजर चाहिए था, जिसमें से इजिली मैं निकाल के समझ भी पाऊँ अच्छा ये वाला पहनना है ये नहीं पहनना है ऐसे ऐसे करके, तो मुझे चाहिए था। मैं इशू पे सर्च कर रही थी तो मेरे सामने ये वाला बॉक्स आया, तो मुझे प्राइस इसका आई थिंक 200-150 इतना कुछ प्राइस ही है इसका, जहां तक मुझे ध्यान है, मैं बाय द वे कोड दे दूंगी। तो ये वाला काफी अच्छा है, इसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर सकते हो, अगर आपने कुछ बड़ा इयरिंग रखना है कुछ भी रखना है तो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें से एक आती हूँ आपको बताऊंगी, कंपार्टमेंट्स होते हैं कंप्लीट, वो आप निकाल दो उसके अंदर, तो आप ये यूज कर सकते हो। तो काफी स्टडी है, एंड ऐसा नहीं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ, डेली खोलना बंद करना होता है मेरा तो, क्योंकि मैं डेली शूट करती हूँ, अभी जो पहन रखे इसमें से निकाल के मैंने पहने हैं, तो डेली शूट करना बंद करना चलता रहता है, तो ऐसा कुछ नहीं कि खराब हो गया कुछ हो रहा है, तो इस तरीके से आता है। काफी बड़ा डिब्बा है और आप देख सकते हैं काफी बड़ा डिब्बा है ये वाला, एंड यहाँ पे मेरी ज्वेलरी भर रखी है मैंने पहले ही, ठीक है। अब इसके अंदर पता है कि मैं ज्यादा टेट मतलब ऐसे करूंगी ना तो फिर वो निकल के ज्वेलरी बाहर आ जाएगी, इसमें मैं बता देती हूँ, जैसे ये चीज है ऐसे, ठीक है ये आपको मिल गया, आप इस चीज को अलग कर दो तो अब आपको अच्छा सा स्पेस मिल जाएगा, यहाँ पे देखो या वाला, और बड़े बड़े इयरिंग्स इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे फिर से मतलब छोटा करना है इसको, तो आप इसके अंदर ये लगा दो, ठीक है, इस तरीके से, वन साइड इधर वन साइड इधर,
तो इस तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं बड़े नेकलेस ज्वेलरी के लिए। जब हम कहीं शादी वगैरह में जाते हैं हमें होता है ना कि यार बिल्कुल एकदम सेटअप हो सब कुछ, वहां के लिए भी बहुत सही है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड, अगर आप छोटी छोटी ज्वेलरी के लिए परेशान हो रहे हो, आप ये मिक्स हो रही है, आपको समझ नहीं आता ना, तो ये आपके लिए है। सो ये आपको अमेजोन पे भी मिल जाएंगे, बट मैंने मीशो से लिया था। सो ये नेक्स्ट है, तो काफी अच्छा है। सो अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। मुझे लग रहा है कि मैं ऐसा एक और ऑर्डर करूंगी, मुझे चाहिए ऐसा। अभी ज्वेलरी फंस गई मेरे इसके अंदर, बाद में सेट करती हूँ। यहाँ से लॉक हो जाता है अच्छे से, तो मुझे लग रहा है कि मैं ऐसा एक और लूंगी। काफी अच्छा है, अच्छे से संभल जाती है ज्वेलरी वगैरह, पता भी चल जाता है कि ये पहननी है ये नहीं पहननी हमें। ये सारे आइटम्स थी जो मैंने इस हॉल के अंदर आपको दिखाने थी, सब कुछ मिक्सअप है। पैंटी आ गई, ड्रेसेस आ गई, इसके लेस आ गई, इसके अंदर फूड आ गया है ना डॉग का, एंड ये ज्वेलरी बॉक्सेस आ गए, तो सब कुछ मिक्स हो गया। ठीक है, तो मुझे लगा था इन चीजों में बना दूं फटाफट से वीडियो, क्योंकि चीजें खत्म होती जा रही है, डॉग खाते जा रहे हैं। फिर मैं चलो आपको बता दूं, अगर आपके पास कोई पैट है तो आप ले सकते हो मीशो से। सो या दैट इज द टुडेज वीडियो, आई होप यू लाइक इट। सबके मैं प्रोडक्ट्स के तो कोड्स आपको दे दूंगी नीचे, चेक कर लेना। बाय द वे सब एक से एक बढ़ के हैं सब चीजें, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि मुझे मीशो पैसे देता है या फिर मैं कोलैब में कोई शूट कर रही हूँ, मैं खुद बाय करती हूँ, ऑब्वियसली मैं एक अच्छी चीज बाय करूंगी। तो बिना किसी डाउट के आप इन चीजों को ले सकते हो, सबके कोड मैं नीचे दे दूंगी। तो या तो ये आज की वीडियो थी, आई होप यू लाइक इट। अगर वीडियो पसंद आती है प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। बता देना किसी और वीडियोस आप देखना चाहते हो। मेरे पास कुछ और सामान है मीशो से, ज्वेलरी हॉल भी आएगा, बनाऊंगी आज ही बनाऊंगी, वो भी शूट करूंगी, तो वो भी अपलोड कर दूंगी। सो या दैट इज द टुडेज वीडियो, आई होप यू लाइक इट। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड लव यू सो मच, बाय।